एक हमारे बुजुर्ग हुए हैं हजरत सैयद नादिर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह ताला, साहब तसनीफ बुजुर्ग थे। तसव्वुफ पर आपने काफ़ी कुतुब की तसनीफ फरमाई। तो फरमाते हैं कि हमारे वहाँ ना एक हजाम थे नई बाल उतारने वाले, तो बुज़ुर्ग हो गए थे। तो आप फरमाते हैं वो हर वक्त में आंखें बंद करके रोते रहते थे। तो कहते जब कई बार उनको इसी तरह देखा तो बड़े लोग थे ना, पूछने वाले थे, हम तो किसी को पूछते भी नहीं कि भाई रोन क्यों ले हम तो किसी को पूछते भी नहीं हैं। तो आप फरमाते हैं मैंने कई बार उनको इसी तरह देखा कि आंखें बंद हैं, बेखुदी है और आंखों से हजारों की तारा सू जा रही है। कहते एक दिन नहीं रह गया तो मैं खड़ा हो गया और मैंने पूछा कि बाबा जी रोंदे क्यों रहते हो? और दुआ करो अल्लाह हमें तन्हाई का और सरगी का रोना अता कर दे। रोने की बड़ी शान है, रोने की बड़ी शान है। तो वो कहते मैंने एक दिन पूछ लिया मैं बाबा जी रोंदे क्यों रहते? तो आप फरमाते फिर रो पड़े और फिर रो के सुनाते क्या है। कहते मैं मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, फजल किया और हज की सआदत उज़्मा नसीब हुई। कहते हज कर लिया तो फिर हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। तो कहते हैं मैं मदीना तैयबा हाजरी हुई। तो कहते हैं कि मैं हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलातु सलाम की बारगाह में हाजिर था और सुनहरी जालियों के सामने ना दस बस्ता मैं हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलातु सलाम की बारगाह में सलाम पेश कर रहा था। तो कहते हैं नहीं खुद पे काबू रख सका और मैंने हुज़ूर नबी अलैहि सलातु सलाम की मुबारक जालियों को छू लिया, हाथ लगाया। तो फरमाते हैं उस वक्त जो अशुरता खड़ा था ना उसने इस कदर ज़्यादा ज़ोर से मेरे हाथ पे डंडा मारा कि मैं उस डंडे की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। फिर फरमाते जैसे ये दो आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई क्या देखता हूँ कि हुज़ूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हूँ और हुज़ूर नबी अलैहि सलाम अपने दस्ते मुबारक में मेरा हाथ लेके फरमा रहे हैं महबूब तक आने के लिए डंडे तो खाने पड़ते हैं, महबूब तक आने के लिए डंडे तो खाने पड़ते हैं। फरमाते साथ ही आँख खुल गई। तो बस हर वक्त आंखें बंद किए इसलिए बैठा रहता हूँ कि शायद फिर वो रुखे अनवर नजर आए हैं। फिर वो लेकिन नजर तू डंडे खाता कौन जी, डंडे मारन वाले बड़ी बड़ी बारीक बात है कि महबूब तक आने के लिए डंडे तो खाने पड़ते हैं, उन कौन खाता जी? हम तो बात नहीं बर्दाश्त करते किसी की। इधर ये तो भाई उसूल है, इसीलिए तो कह नहीं गए कि मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे भाई इस कॉलेज ना दाखला नहीं है, उसूल वखरे नहीं जो तू डंडे नहीं खा सकता फिर ना दाखला लै, तो नाल भी एक होर कॉलेज उत्थे जाके दाखला ले लै क्योंकि ये मकतब इश्क है, इसके अंदाज वखरे हैं।